हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं गारंटेड क्वेश्चन। गारंटेड क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमने कौन सा एक रिएजेंट लिया है। सर, MCPBA रिएजेंट लिया है, ठीक है। MCPBA रिएजेंट कैसा होता है सर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच? सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट होता है, ठीक है। अब ये रिएजेंट अगर डेफिशिएंट है, ओके, तो ये इसको कौन सी एल्कीन चाहिए सर? इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन चाहिए सर। इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के साथ ये क्या करता है सर? इपॉक्सीडेशन करता है, ठीक है। इपॉक्सीडेशन करता है, इतना हमें पता है। और ये मैंने कहाँ से लिया है सर? नान्स बुक से लिया है, पेज नंबर 174, ठीक है। अब हमें ये चार ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है सर? एमसीपीबी के साथ CH2Cl2 सॉल्वेंट लिया है, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन। और यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट लिया है सर? ET2O, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चार ऑप्शन गिवन है सर, तो यहाँ पे चार ऑप्शन में आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब मुझे बताइए सर, जब हम MCPBA यूज़ करते हैं किसके साथ? डाइक्लोरोमीथेन के साथ, तो यहाँ पे कैसी मिलती है इपॉक्सीडेशन कैसे होगा सर? सिन इपॉक्सीडेशन, मतलब जो OH की स्टीरियो है उसी स्टीरियो में क्या होगा सर? इपॉक्सीडेशन होगा। मतलब X कैसा होगा सर? जो स्टीरियो OH की है, OH की स्टीरियो कैसी है सर? वेज। तो इपॉक्सीडेशन ये एल्किन का करना है, तो ये एल्किन क्या इपॉक्सीडेशन कौन से स्टीरियो में होगा? जो OH की है वही स्टीरियो सेम रहेगी सर। ओके, तो सेम स्टीरियो कहाँ दिख रही है एक्स में सर? ये वाली देखिए, ये ऑप्शन होगा क्या? नहीं होगा। ये दिख रही है, ठीक है, ये दिख रही है। लेकिन यहाँ पे जो बाकी सब्सटीट्यूएंट है, उन बाकी सब्सटीट्यूएंट की कुछ होगा क्या? स्टीरियो चेंज होगी क्या सर? नहीं सर, कुछ स्टीरियो बाकी जो सब्सटीट्यूएंट लगे हैं उनकी स्टीरियो चेंज नहीं होती है। ओके, तो ये देखिए, यहाँ पे OH की स्टीरियो चेंज कर दी है, लेकिन क्वेश्चन में वेज दिया है और यहाँ पे बिलो द प्लेन है, ये अबाउ द प्लेन है OH, तो ये भी होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर, थर्ड में यहाँ पे भी OH कैसा दिया है? बिलो द प्लेन। और ये OH की स्टीरियो भी चेंज कर दी है, तो X ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा है सर? एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, जो कि फोर्थ ऑप्शन है, जो कि OH की स्टीरियो कैसी है सर? वेज में है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी वेज में दिए है। और अल्किन की इपॉक्सीडेशन जब होगा वो भी सेम स्टीरियो के साथ होगा। ओके, और जब हम MCPBA इधर के साथ यूज करेंगे ET2O, तो OH सॉल्वेशन होगा, क्योंकि बीटा फेस कैसा है? हिंडर्ड है। तो अगर हिंडर्ड है तो कैसा होगा? OH की अपोजिट स्टीरियो से क्या होगा सर? इपॉक्सीडेशन होगा। मतलब Y कैसा बनेगा सर? इसके OH के स्टीरियो के में क्या होगा सर? ट्रांसफॉर्म में ये दिखेगा। मतलब OH की स्टीरियो कैसी है? वेज में है, तो ये डॉटेड में इपॉक्सीडेशन होगा। अब ये किस कौन से केस में होता है सर? ET2O के ईथर के केस में, जब हम सॉल्वेंट ये यूज करते हैं। जब हमने MCPBA CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन यूज किया, तब स्टीरियो कैसी आ रही है सर? सिन, मतलब सिस स्टीरियो आ रही है। और इस केस में थोड़ा ट्रांस, मतलब अपोजिट स्टीरियो आ रही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा सर? राइट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आप क्वेश्चन, ये आ सकता है CSIR December 2023 में, तो आप एक बार देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं, और दूसरे भी ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन किया जाए। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन कर देंगे वो ऑप्शन डाल के अलग अलग, तो आपको सही ऑप्शन देखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।